हे गाइस, क्रिसमस डे ब्लॉग पार्ट टू में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं जेवियर से निकल गया हूँ और जेवियर से निकलने के बाद जस्ट सत्य भारती के जस्ट बगल में एक चर्च है, मैं वहाँ पर आ गया हूँ। तो चलिए चर्च के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है। तो गाइज़, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट मैं भीड़ को नहीं दिखाया, डायरेक्ट मैं चर्च के पास आ गया हूँ। देखिए, ये चर्च है जो कि बहुत बड़ा, ये चर्च है और इसका डेकोरेशन का बात करूँ तो अभी मैं चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसा कैसा डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे काफ़ी लगभग लोग आए हुए थे और बैठ कर सुन रहे थे, बट मैं लोगों को ज़्यादातर नहीं दिखाया वीडियो के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पे मैरी क्रिसमस डे आप सभी को, हमारे साइड से जितने भी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ट्री को कितना अच्छे से सजाया हुआ है। तो चलिए, उसके बाद मैं चर्च के पास फाइनली मैं पहुँच गया। उसके बाद मैं वहाँ पे गया और कैंडल जलाया। कैंडल जलाने के बाद फिर मैंने चर्च का अंदर की अब मीडिया मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं चर्च का अंदर। तो फाइनली चर्च है, जस्ट अंदर मैं पहुँचने वाला हूँ। ये देख सकते हैं फाइनली किस तरह का अंदर का जो डेकोरेशन था, काफ़ी अच्छा था और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था अंदर जाने के बाद, क्योंकि अंदर जो म्यूजिक बज रहे थे वो बिल्कुल, मतलब क्या बोलूँ, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था सुनने के बाद। तो अगर आप कभी अगर चर्च नहीं गए हो तो प्लीज़ ट्राई करना कि कभी चर्च जाओ, क्योंकि चर्च जाने में कोई पैसा खर्चा नहीं होता है, बल्कि वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है भगवान ईसा मसीह के बारे में बताया जाता है वहाँ पे, और उनके बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक चीज़ बताया जाता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ कभी ऐसा, अगर आपको टाइम मिले जैसे आज का डेट में, आप जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आज क्रिसमस डे है, यानी कि आज है 25 दिसंबर। और आज का डेट में यहाँ पे लगभग नहीं हो, पर तो अगर बात करूँ लोगों का, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं, करीबन 3 से 4-5 हज़ार लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, 5 हज़ार लगभग प्लस है। और मैं जेवियर कॉलेज में गया था तो इतना भीड़ नहीं दिख रहा, क्योंकि आज जैसे 24 को नाइट को जैसे 12 जैसे बजता है, तो इतने सारे चर्च में मनाए जाते हैं, तो आज यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है वही चीज़, बट जेवियर कॉलेज में चीज़ नहीं किया जा रहा था। आज के डेट में 25 का नाइट को या फिर डे में जो भी सेलिब्रेट किया जाएगा, मैरी क्रिसमस डे या फिर क्रिसमस डे, जितने भी भाई लोग हमारा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हैप्पी क्रिसमस डे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जैसे कि आपका भाई हर टाइम बताता है कि हमारा यूट्यूब चैनल है शशि ब्लॉगर 666, फेसबुक पे अगर सर्च करते हैं तो शशिकांत कुमार, फेसबुक पेज है हमारा शशि ब्लॉगर 666। आप हमें कहीं भी हैशटैग शशि ब्लॉगर 666 सर्च मारेंगे तो आपका भाई शशि ब्लॉगर 666 नज़र आ जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मैंने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को पूरी रांची में बुलाऊंगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। बट प्लीज़ आप लोग लाइक करो, कमेंट्स करो, फॉलो करो हमारे पेज पर, अगर प्लीज़ नहीं तो फॉलो ज़रूर करना। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शांत है, काफ़ी मतलब अंदर में ही ऐसा लग रहा है कि चर्च के अंदर 2000 से प्लस। मैं फिर भी देख सकते हैं कैमरा का मैं कितना हाइट किया हूँ, बिल्कुल हाइट पे जाकर कैमरा पे यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। सभी लोग शांत है, बट फिर भी मतलब कोई भी यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है जो कि मतलब वीडियो बहुत कम बना रहे हैं, और सभी लोग सुन रहे हैं। बट मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लॉग लेकर आऊँगा और चर्च में क्या होता है अंदर, वो सब मैं सब चीज़ दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं सामने अंदर में यहाँ के जो भी फादर हैं, मदर हैं, सब अंदर बैठे हुए हैं और बहुत कुछ बात मतलब बता रहे हैं, और साइड से बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में। यहाँ पे भीड़ की वजह से मैं थोड़ा पीछे हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ आगे जाने का, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिएगा मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँगा लगभग,
मैं लास्ट में नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, तो फाइनली मैंने कैमरा को जूम किया है, देख सकते हैं सामने भी यहाँ पे काफ़ी लोग दिख रहे हैं। और आज के दिन हमारे भगवान यीशु मसीह का जन्म होगा और सारे लोग बम फोड़ेंगे, फटाके फोड़ेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे। तो कितने भाई हैं जो हमारे वीडियो को देखकर आप लोगों ने रांची का चर्च घूमा, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे फेसबुक पेज पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ भाई फॉलो ज़रूर करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और उसके बाद मैंने चर्च, मतलब बहुत देर तक मैं खड़ा रहा चर्च के अंदर, मैंने सुना बहुत कुछ, उसके बाद फिर मैंने फाइनली मैं बाहर निकल आया। तो देख सकते हैं चर्च के अंदर इतने सारे लोग थे, उसके बावजूद भी बाहर में मतलब LED लगा हुआ था बड़ा बड़ा और लोग बैठ कर सुन रहे थे। तो गाइज़ ये हमारा वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये इस बार जो आएगा पार्ट 3 आने वाला है। पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है।